हरिओम। अगर हमें अपने जीवन में प्रसन्न रहना है, सदैव खुश रहना है, तो हमारे जीवन से नेगेटिव बातों को धन्यवाद देना पड़ेगा। नेगेटिव बातों को छोड़कर पॉजिटिव की तरफ बढ़ना पड़ेगा। जैसे एक महिला डाइनिंग टेबल पर एक बार बैठी थी और वो बैठ के सोच रही है कि ओहो, मुझे इनकम टैक्स भी देना पड़ता है, घर का सारा कामकाज भी करना पड़ता है, और कल मेरे घर पे मेरे बहुत सारे रिश्तेदार आने वाले हैं, उनके लिए खाना भी बनाना पड़ेगा, ये सब काम मैं कैसे करूंगी। ऐसे नेगेटिव बातों को सोच सोच कर वह परेशान हो रही थी। उसके पास में उसके 10 वर्षीय बेटी बैठी थी और बैठकर अपना होमवर्क कर गई थी। तो माँ ने पूछा बेटी से, बेटी क्या कर रही हो? बेटी ने कहा, माता जी मैं अपना होमवर्क कर रही हूं। बोले, क्या होमवर्क कर रही हो, क्या होमवर्क दिया है? बेटी ने कहा, मुझे मैडम ने होमवर्क दिया है कि थैंक्स टू नेगेटिव्स, यानी कि जो बातें आपको अभी खराब लगती है लेकिन बाद में जाकर आपको उसका लाभ होने वाला है, उसको धन्यवाद दीजिए। तो बेटी तुमने क्या क्या लिखा है? माँ मैंने सबसे पहले उस अलार्म घड़ी को धन्यवाद दिया है जो रोज सुबह मुझे जगाती है और कहती है कि देख मैं अभी जिंदा हूं। जब वो अलार्म घड़ी मुझे जगाती है तब मुझे थोड़ा बुरा लगता है, खराब लगता है, जागना पड़ता है, लेकिन जागने के बाद जब जल्दी जाग जाती हूँ, उठ जाती हूँ, तो मेरे सब काम फटाफट हो जाते हैं। इसके लिए मुझे उस अलार्म घड़ी को मैंने धन्यवाद लिखा है। बेटी दूसरा क्या लिखा है? मैंने उन दवाइयों के बारे में लिखा है धन्यवाद, क्योंकि दवाइयाँ खाते समय कड़वी लगती है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाद में जब ठीक हो जाते हैं तो कितना स्वस्थ महसूस करते हैं, इसलिए उन दवाइयों के बारे में धन्यवाद लिखा है। बेटी और क्या लिखा है? मैंने एग्जाम के बारे में धन्यवाद लिखा है कि जब एग्जाम आता है तब कितनी परेशानी होती है, बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, जल्दी जागना पड़ता है, लेकिन जब एग्जाम खत्म हो जाते हैं और छुट्टियां पड़ जाती है तो एकदम मस्त हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, इसलिए एग्जाम को धन्यवाद लिखा है। तब उस महिला ने सोचा कि मुझे भी इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए पॉजिटिव। तो उसने सोचा कि मुझे इनकम टैक्स देना पड़ता है, यानी कि मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरे पास अच्छा जॉब है, अच्छी सैलरी है, तो मैं इनकम टैक्स दे रही हूँ। कई लोगों के पास जॉब नहीं होता, सैलरी भी इतनी अच्छी नहीं होती, तो इनकम टैक्स नहीं दे पाते, तो धन्य है। उसने धन्यवाद दिया इनकम टैक्स को। दूसरा उसने सोचा कि मुझे घर का कामकाज करना पड़ता है, इसका मतलब मेरे पास में अच्छा सा घर है, कई लोगों के पास तो घर भी नहीं होता रहने के लिए, तो उसने उसे भी धन्यवाद दिया और उसकी सोच को पॉजिटिव में बदला। फिर उसने सोचा कि कल मेरे रिश्तेदार आने वाले हैं, तो अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, यानी कि रिश्तेदार आने वाले हैं, यानी कि मेरा पास बड़ा परिवार है, मेरे को चाहने वाले लोग हैं, इसीलिए तो मेरे पास आ रहे हैं। इस तरह उसने अपनी नेगेटिव सोच को पॉजिटिव में बदल दिया और खुश हो गई। तो हमें भी अपने जीवन में कई बातें ऐसी लगेगी नेगेटिव स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में परिणाम उसका अच्छा है, उसको पॉजिटिव में लेकर सोचें तो आप प्रसन्न रहेंगे। हरिओम।